दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका पिछला जो लेक्चर हुआ था वो आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो आपका कंप्लीट हुआ था। कौन सा? मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो आपका कंप्लीट हुआ था। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, इसको बदल दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं कौन सा? आपका विशेषण। तो आज चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, विशेषण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग विशेषण को कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर है आपका? ये विशेषण है, ठीक है। ठीक है, पहले विशेषण के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो विशेषण के बारे में क्या आप लोग जानते हैं विशेषण क्या होता है, है ना। तो विशेषण के बारे में कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम इसकी परिभाषा भी बनाएंगे, इसकी हम परिभाषा बनाएंगे इसकी। क्या? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, ठीक है, विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है, ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से। जैसे आपने कोई उदाहरण लिया, आपने कहा मोहन अच्छा है। क्या आपने कहा? मोहन अच्छा है, आपने ये कहा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है मोहन अच्छा है, तो मोहन की ये विशेषता है कि मोहन अच्छा है। तो मोहन आपका जो है वो क्या है? ये आपका हो गया कौन? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। और अच्छा होना उसकी क्या हो गई? विशेषता। तो ये आपका कहलाएगा बच्चों क्या? ये आपका विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो मोहन अच्छा है, मैं मोहन आपकी संज्ञा है, अच्छा होना क्या है? विशेषण है। आपने कहा मोहिनी, मोहिनी सुंदर है, मोहिनी सुंदर है। तो इसमें दोस्तों आप लोग बताओ कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है और कौन सा शब्द आपका जो है वो विशेषण है, आप लोग बताएंगे, है ना। तो आप लोग कह रहे होंगे सर मोहिनी जो है वो आपका संज्ञा है और आपका जो सुंदर है वो आपका क्या है? सुंदर आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है मोहिनी सुंदर है, इसका मतलब मोहिनी की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो विशेषण आपका हो गया सुंदर और मोहिनी क्या हो गया? मोहिनी आपकी संज्ञा हो गई, ठीक है। आपने कहा वह तेज है। वह कैसा है? वह तेज है। इसमें आप लोग फिर दोस्तों बताएंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो वह तेज है, इसका मतलब तेज होना उसकी क्या है? विशेषता है। तो आपका जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं
विशेषण, और जिसकी वो विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो वह आप लोग देख रहे हो, वह आपका क्या है, वह आपका एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। तो इसमें आप पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा शब्द हमारा संज्ञा है और कौन सा शब्द हमारा विशेषण है ना, तो ध्यान रखेंगे है ना। जैसे आगे आपने कहा, देखो आगे आपने कहा, आपने कहा यह, आपने कहा यह साफ है, यह साफ है, आपने ये कहा यह साफ है। तो बताइए यह साफ है, साफ होना इसकी क्या है? विशेषता है। इसका मतलब साफ आपका क्या है? साफ आपका दोस्तों विशेषण है। क्या है? विशेषण। और यह आपका क्या है? सर्वनाम है। तो विशेषण वही शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे यदि हम देख लें, जैसे मैंने कहा है ना, मैंने कहा मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ है ना, मैंने ये कहा मैं होशियार हूँ है ना। तो होशियार होना किसकी विशेषता है? होशियार होना मेरी विशेषता है, मैं होशियार हूँ। तो होशियार जो है वो आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और मैं आपका हो गया क्या? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप लोग, क्या आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि हम किसे सर्वनाम कह रहे हैं, किसे संज्ञा कह रहे हैं और किसे हम विशेषण कह रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं है ना, देखते हैं। ठीक, अब हम आगे, हम लोग जानते हैं विशेषण के बारे में, तो हम लोग जान गए। आगे हम विशेष्य के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? विशेष्य के बारे में, कि आखिर विशेष्य जो होता है वो विशेष्य क्या होता है ना। तो थोड़ा विशेष्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी यदि परिभाषा बनाएंगे थोड़ी सी, इसकी भी परिभाषा हम लोग बना लेते हैं विशेष की। तो कहेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है, बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के आइए चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे है ना। यस, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ये कहा गया है कि वह बुद्धिमान लड़का है। क्या कहा गया? ये कहा गया है वह बुद्धिमान लड़का है।
ये कहा गया है, वह बुद्धिमान लड़का है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, वह बुद्धिमान लड़का है, तो लड़का आपका क्या है, है ना? आपका लड़का क्या है? संज्ञा है, है ना? और बुद्धिमान होना उसकी क्या है? विशेषता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशेष्य हो गया ये, है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम ही तो हमारा विशेष्य होता है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? सर्वनाम है। जब ये सर्वनाम है तो ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, है ना? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा ये है तो ये भी विशेष्य है, यहाँ पे सर्वनाम ये है तो सर्वनाम है तो भी ये क्या है? विशेष्य है आपका, ठीक है? अच्छा, जैसे हमने कहा मोना, मोना सुंदर लड़की है, हमने कहा मोना सुंदर लड़की है, है ना? अब इसमें हमें बताना है कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है। तो मोना सुंदर लड़की है, तो लड़की आपकी क्या है? लड़की आपकी है संज्ञा, और जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विशेष्य कहते हैं, है ना? तो हमारी लड़की जो है ये एक विशेष्य है। लड़की की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? सुंदर है। तो ये आपकी, ये आपका सुंदर होना क्या हो गया? विशेषण। और मोना जो है ये भी आपकी एक संज्ञा है। क्या है? ये आपकी एक संज्ञा है, संज्ञा है। तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे? विशेष्य बोलोगे। क्या बोलोगे? इसे भी आप विशेष्य कहोगे, है ना? जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वही हमारे विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? विशेष होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है। इसलिए जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य बोलते हैं, ठीक है? विशेष्य कहा जाता है, है ना? यस। चलो आगे देखते हैं, है ना? चलिए आगे। जैसे और थर्ड एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे वे काले घोड़े हैं, ये कहा गया है वे काले घोड़े हैं, ये है ना? तो वे काले घोड़े हैं, तो किसकी चर्चा यहाँ चल रही? काला जो है ये विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। ये आपका क्या है? संज्ञा की। और संज्ञा ही आपका क्या होता है? विशेष। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका विशेष। और संज्ञा या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका विशेषण हो गया। वे आपका जो है ये सर्वनाम है। क्या है आपका? ये आपका सर्वनाम है। और सर्वनाम शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य भी कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है, ठीक है? जैसे आप इस तरह से बोलते हो, है ना, है ना? जैसे आपने कहा यह है, आपने कहा यह होशियार, ये होशियार विद्यार्थी है, यह होशियार विद्यार्थी है। क्या है? यह होशियार विद्यार्थी है। कैसा विद्यार्थी है? होशियार विद्यार्थी है। तो ये विशेषण है, ये विद्यार्थी की क्या है? विशेषता। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है? और ये आपका यह क्या है? यह आपका
यह आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द को ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ठीक, है ना? तो ये आपका क्या है, विशेष है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग, क्या आप लोग विशेष्य के बारे में आश्वस्त हो गए? आपको विशेष्य पता चल गया कि विशेष्य क्या होता है? ठीक है, ये तो आपका विशेषण भी बता दिया, आपको विशेष्य भी बता दिया कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हीं संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। है ना, देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्राविशेषण के बारे में। किसके बारे में? प्राविशेषण के बारे में कि आखिर ये प्राविशेषण जो होता है, ये प्राविशेषण क्या होता है, प्राविशेषण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि प्राविशेषण क्या होता है ना। तो देखिए इसके बारे में कहेंगे, विशेषण विशेषण से पूर्व आकर क्या, विशेषण से पूर्व आकर, विशेषण से पूर्व आकर विशेषण की, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले, बताने वाले शब्द को, बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। अब देखो कौन सी बात कही जा रही है, आप लोग समझ रहे होंगे कि विशेषण से पूर्व आकर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। तो प्राविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, और कहाँ यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं विशेषण शब्दों से पूर्व। तो ऐसे शब्द जो विशेषण से पूर्व आएँ और विशेषण की विशेषता को बताएं उन्हें हम कहते हैं क्या, प्राविशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे। ठीक, देखिए जैसे कहा गया है, सीमा सीमा बहुत सुंदर लड़की है, ये कहा गया है। सीमा बहुत सुंदर लड़की है, है ना? सीमा बहुत सुंदर लड़की है। तो आप जान रहे हो सीमा बहुत सुंदर लड़की है। यदि हम इसको बहुत को अभी बंद कर लें तो हम कह सकते हैं सीमा सुंदर लड़की है। तो सीमा कैसी लड़की है? सीमा सुंदर लड़की है। इसका मतलब सुंदर होना सीमा की क्या है, विशेषता। तो ये सुंदर आपका क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अच्छा ये लड़की आपकी क्या है, ये आपकी संज्ञा है। जो संज्ञा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे उसे हम लोग भैया कहते हैं क्या, विशेष। तो ये आपका विशेष हो गया। हमने कहा वो शब्द प्राविशेषण होते हैं जो विशेषण से पूर्व आते हैं। तो देखिए आप, बहुत जो है ये विशेषण से पूर्व ही आया है, और विशेषण से पूर्व आए और विशेषण की विशेषता को बताए। तो सीमा सुंदर लड़की है, फिर हम कह दिया हमने सीमा बहुत सुंदर लड़की है। इसका मतलब सुंदर की भी विशेषता है कि बहुत सुंदर लड़की है भाई, वो सुंदर ही नहीं वो बहुत सुंदर लड़की है। तो सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपका बहुत जो है
ये आपका बहुत क्या हो गया, बहुत आपका प्राविशेषण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये बहुत आपका प्राविशेषण हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों से पूर्व यूज़ किए जाएं और विशेषण की भी विशेषता को बताएं, उन्हें हम कहते हैं क्या, प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। जैसे हमने कहा ये, हमने कहा बहुत अच्छी कलमें ये बहुत अच्छी कलमें हैं। तो ये बहुत अच्छी कलमें हैं, तो अच्छी कलमें हैं, तो कलमों की विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छी हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो ये आप जान ही चुके हो, ये आपका विशेषण हो गया। ये क्या है, आपकी कलमें क्या हैं, ये आपकी संज्ञा है। और संज्ञा को ही मैं बता चुका हूँ, संज्ञा ही सर्वनाम को हम कहते हैं क्या, बोलो क्या कहते हैं हम, विशेष कहते हैं। तो ये आपका विशेष है। अब ये अच्छी कलमें हैं, और फिर कह दिया गया ये बहुत अच्छी कलमें हैं, इसका मतलब अच्छे होने की भी विशेषता बता रहा है, अच्छे होने की भी विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, प्राविशेषण। क्या कहेंगे, प्राविशेषण। तो आपका ये है जो बहुत है, यहाँ भी क्या है, वो प्राविशेषण है आपका, है ना। क्या है, प्राविशेषण, है ना। देखिए है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कहा गया है कि राहुल, क्या कहा गया है, राहुल बड़ा साहसी, ये कहा गया साहसी लड़का है। अब ये कहा गया राहुल बड़ा साहसी लड़का है, ठीक है। तो राहुल बड़ा साहसी लड़का है, कैसा लड़का है, साहसी लड़का है। तो साहसी होना उसकी क्या है, विशेषता। तो ये तो हो गया आपका क्या, विशेषण हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये लड़का जो है ये आपका क्या है, संज्ञा। और जो संज्ञा शब्द होते हैं वही हमारे क्या होते हैं। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विशेष। तो ये विशेष हो गया। अब विशेषण से पूर्व आने वाला शब्द, विशेषण से जो पूर्व आए और विशेषण की विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, प्राविशेषण। तो ये आपका बड़ा जो है, ये आपका क्या है, ये आपका प्राविशेषण है। तो राहुल बड़ा साहसी लड़का है, इसमें बड़ा आपका प्राविशेषण है, साहसी होना उसकी विशेषता है। तो ये आपका विशेषण है, और लड़का संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, हम विशेष कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, है ना, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा एक और एग्जाम्पल के तहत बिल्कुल क्लियर कर लें आप लोग, है ना, बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम रह न जाए, है ना। हाँ बिल्कुल आप आश्वस्त हो जाएं, ठीक है। जैसे हमने कहा मोहन, हमने कहा मोहन बहुत बहुत तेज, हमने कहा मोहन बहुत तेज है, मान लो हम इतने ही कह रहे मोहन बहुत तेज है। मोहन कैसा है, मोहन बहुत तेज है। तो तेज होना किसकी विशेषता है, मोहन की। तो तेज तो आपका क्या हो गया, तेज आपका हो गया कौन सा, विशेषण हो गया, है ना। तेज क्या हो गया, विशेषण। अब विशेषण से जो पहले आता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता, मोहन बहुत तेज है, वैसे हम कहते हैं मोहन तेज है,
है ना। तो ये तो तेज होना मोहन की विशेषता है, लेकिन बहुत तेज है तो तेज की भी विशेषता है कि वो बहुत तेज है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहोगे, उसे हम कहते हैं क्या, प्राविशेषण। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो हमारा जो बहुत है वो प्राविशेषण है। अब ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की। मोहन आपका क्या है, संज्ञा। और संज्ञा शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, आप लोगों को बताया है, संज्ञा शब्दों को ही हम कहते हैं क्या, विशेष। तो ये मोहन हमारा क्या है, विशेष। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल आपको ये बात क्लियर होगी, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि वाक्य में जो प्राविशेषण होता है वो प्राविशेषण क्या होता है। ठीक है, आपको ये कोई डाउट नहीं होगा कि वाक्य में विशेषण क्या होता है और संज्ञा क्या होती है ना। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, है ना, ये बातें बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए वाक्य में विशेषण, वाक्य में जो विशेषण होता है ये कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताने वाले हैं कि वाक्य में जो विशेषण होता है वो कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं वाक्य में विशेषण दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में जो विशेषण है वो कितने, दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, दो प्रकार से उसे प्रयोग करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं देखते हैं। पहला उसका जो प्रकार है, पहला उसे हम लोग कहते हैं विशेष विशेषण। कौन सा विशेषण, उसे कहते हैं हम विशेष विशेषण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण बोलते हैं। दूसरा जो है आपका, उसे बोलते हैं कौन सा, विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम विधेय विशेषण बोलते हैं, ठीक। कौन सा, विधेय विशेषण। अब कहोगे सर ये आपका जो है ये विशेष विशेषण क्या होता है और आपका जो विधेय विशेषण होता है ये क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि आपका विशेष विशेषण जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए पहले इसको मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा क्लू दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये विशेष विशेषण है। तो देखिए इस तरह से आप पहचान लेंगे, देखिए आप किस तरह से पहचानेंगे। देखिए आपने यहाँ पे लिखा विशेषण, क्या आपने लिखा, आपने लिखा विशेषण प्लस संज्ञा। क्या लिखा आपने, विशेषण प्लस संज्ञा। यदि कभी आपको ऐसा दिख जाए, किस तरह का, यदि संज्ञा से पूर्व आपको कभी भी विशेषण दिख जाए तो समझ लो कि वो आपका विशेष विशेषण है। कौन सा है, विशेष विशेषण है। तो चलो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम साइड से कर देते हैं, ठीक है। चलो इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब विशेषण शब्द को संज्ञा से पूर्व प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना, तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या, तो उसे
विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। मुझे लगता आप समझ गए होंगे, है ना। तो जब विशेषण शब्द को संज्ञा से पूर्व प्रयोग किया जाता है, जब किसी भी विशेषण शब्द को संज्ञा से पूर्व किया जाता है, पूर्व प्रयोग किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। तो वही बात हमने लिखी है, संज्ञा से पहले यदि विशेषण का प्रयोग है तो वो आपका कहलाएगा क्या? विशेष विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे चलिए इसके हम लोग कुछ उदाहरण भी करेंगे विशेष विशेषण के, है ना। उदाहरण थोड़ा सा कर लेते हैं इसके, देखते हैं। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, हमने कहा काला घोड़ा घास खा रहा है। हमने कहा काला घोड़ा घास खा रहा है, काला घोड़ा घास खा रहा है। तो ये आपका घोड़ा जो है, ये आपका क्या है? ये घोड़ा आप जानते हो, घोड़ा आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक। और ये आपका जो काला होना, उसकी विशेषता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण है। तो आप बताइए इसमें हमने विशेषण कहाँ यूज़ किया है? इसमें हमने विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया है। जब हम विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? विशेष विशेषण। तो ये आपका जो है, ये आपका किसका उदाहरण हो गया? ये आपका विशेष विशेषण का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? विशेष विशेषण का। तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? विशेष विशेषण। तो यहाँ पे विशेष विशेषण है। ठीक है, अच्छा। जैसे आप दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 02। ठीक, ठीक। देखते हैं, दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप कह रहे हो सतीश चंचल लड़का है। ये कहा जा रहा है कि सतीश चंचल लड़का है, है ना। सतीश चंचल लड़का है, ये कहा जा रहा है, है ना। तो ये आपका, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, है ना। तो इस तरह का वाक्य हम लिखें, है ना। हमने कहा देखो, पतला आदमी सो रहा है। हमने कहा पतला आदमी सो रहा है, है ना। तो कैसा आदमी है? पतला आदमी है। तो पतला होने उसकी क्या है? विशेषता। तो ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया भाई साहब क्या? ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, आदमी जो है वो आपका क्या है? संज्ञा है। क्या है वो आपका? वो आपका संज्ञा है। ठीक। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने विशेषण को किस तरह से यूज किया है। यहाँ भी हमने विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले किया है। जब विशेषण का प्रयोग आप संज्ञा से पूर्व करेंगे तो वो आपका कौन सा होगा? उसे आप कह पाएंगे कि ये साहब, ये क्या है? ये आपका विशेष विशेषण है। यहाँ पर विशेष विशेषण है। यहाँ पर कौन सा विशेषण है? यहाँ आपका विशेष विशेषण है। तो इन दोनों वाक्यों में आपका विशेष विशेषण है, क्योंकि आपका विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया गया है। तो यहाँ आपका विशेष विशेषण। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। यस, देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, विधेय विशेषण की। किसकी बात करेंगे, विधेय विशेषण की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका जो था, दूसरा नंबर आपका था विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, तो इसमें देखो यदि हम विधेय विशेषण को लिखना चाहें तो विधेय विशेषण का मतलब संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, सर्वनाम प्लस विशेषण, प्लस विशेषण, ठीक है। ये तो यहाँ आप लोग देख रहे हो विधेय विशेषण का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण। जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण लगा होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण, है ना। तो हम कह सकते हैं, ऐसे परिभाषा बना सकते हैं, जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग, है ना, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व किया जाता है, से पूर्व या कह दो आप पहले, है ना, पहले किया जाता है, पहले किया जाता है, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम से पहले किया जाता है तो वह विधेय विशेषण होता है, तो वह विधेय विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, तो उसे कहते हैं वह विधेय विशेषण होता है। ठीक, वो आपका क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। तो देखो मैंने लिखा भी है संज्ञा या सर्वनाम से, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम से पहले नहीं है, ये देखो ये आपका थोड़ा सा ये काटना पड़ा, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद, ये है ना, ये जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, वह आपका विधेय विशेषण कहलाता है। तो कौन सा हो, वहां विधेय विशेषण वह कहलाता है, तब विधेय विशेषण होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण लगा हो तो वह विधेय विशेषण है, है ना। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, है ना, उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को देखेंगे, है ना। जैसे हमने कहा, हमने कहा घोड़ा, घोड़ा जो है घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। अब यहाँ आप देख रहे हो घोड़ा काला है, तो काला होना घोड़े की क्या है, विशेषता। तो ये तो आपका क्या है, ये आपका विशेषण है, है ना। अब ये घोड़ा आपका क्या है, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। अब देखो विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है, संज्ञा के बाद। जब भी संज्ञा के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाएगा तो उसे आप कह पाओगे क्या, उसे आप क्या कह पाओगे, उसे आप कह पाओगे कि भैया ये आपका विधेय विशेषण है। क्या है ये आपका, ये आपका भैया विधेय विशेषण है, ये आपका विशेष विशेषण नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह पाएंगे, है ना। देखो दूसरा उदाहरण, है ना, उदाहरण नंबर
दो देख लीजिए आप, है ना। कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जैसे हमने कहा, हमने कहा मेरा लड़का, हमने कहा आलसी है, मेरा लड़का कैसा है, मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है। तो मेरे लड़के की विशेषता क्या है कि वो आलसी है, तो आलसी है तो आलसी होना क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। और आलसी कौन है, मेरा लड़का, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गई, संज्ञा, क्या हो गई, संज्ञा, है ना। तो ध्यान रखो, संज्ञा के बाद जब विशेषण आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, विधेय विशेषण। तो ये भी आपका विधेय विशेषण का ही उदाहरण है, किसका उदाहरण है, विधेय विशेषण का ही ये आपका उदाहरण है, है ना, है ना। अच्छा, हमने कहा नेक्स्ट, हमने कहा वह अच्छी है, वह अच्छी है, ये कह दिया हमने, वह अच्छी है, ठीक है। इसको चलो इस कलर से लिखते हैं, हमने कहा वह अच्छी है, ठीक है, ये लिखा वह अच्छी है, तो अच्छा होना उसकी विशेषता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका विशेषण है, ये क्या है, ये विशेषण है। वह आपका क्या है, वह आपका क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम के बाद कहाँ आया, सर्वनाम के बाद ही तो विशेषण आया, जब सर्वनाम के बाद विशेषण आता है तो उसे क्या कहते हो, उसे आप क्या क्या कहते हो, उसे आप भाई साहब विधेय विशेषण कहते हो, क्या कहते हो, उसे आप विधेय विशेषण कहते हो। तो बिल्कुल बातें ये स्पष्ट हो पा रही है ना, यदि स्पष्ट हो पा रहे हैं तो कमेंट करो कि ये बातें आपको स्पष्ट हो पा रही बिल्कुल, है ना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। एक एग्ज़ाम्पल और हम आपको एक एग्ज़ाम्पल और नोट करेंगे, है ना, तो कमेंट करके आप हमें बताना, हाँ, कि ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हुई हैं या स्पष्ट नहीं हुई हैं, है ना, तो ये बात आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा यह चौड़ा है, यह चौड़ा है, मान लो ऐसे कह दिया, यह चौड़ा है, कोई चीज़ है वह चौड़ी है, तो इसकी विशेषता क्या है कि वो चौड़ा है, तो ये उसका आपका क्या हो गया, चौड़ा होना क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, लंबा और चौड़े जो होता है, लंबा चौड़ा ऊंचा विशेषण होता है। यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, ये आपका सर्वनाम है। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वह आपका कहलाता है कौन सा, वह आपका कहलाता है कौन सा, विधेय विशेषण, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, विधेय विशेषण है, ठीक। तो आज हम लोगों ने, है ना, तो आज हम लोगों ने विशेषण देखा, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने बताया क्या कहा जाता है, प्राविशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जो विशेषण से पूर्व आएँ और कहीं ना कहीं विशेषण की विशेषता को बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं, ठीक। ये तीनों बातें क्लियर हैं। और आपको हमने लास्ट में ये भी बताया कि विशेषण जो है वो दो तरीके से वाक्य में
प्रयोग किया जाता है। एक आपका होता है विशेष विशेषण और दूसरा आपका होता है कौन सा, विधेय विशेषण। इसमें भी बताया जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है तो वो आपका होता है विशेष विशेषण, और जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, विधेय विशेषण। ठीक, तो आज के हम वीडियो में इतना ही रखेंगे और आप जुड़े रहिए, कल आपको इसी से आगे जो है विशेषण की बहुत सारी बातें करनी है। और यदि ये आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो रहे हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये क्लियर है, आप आगे पढ़ाइए, फिर कल मैं आगे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जय हिंद, आज इतना ही रखिए।